अगर आप यस बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। आरबीआई ने नकदी की कमी से जूझ रहे यस बैंक से पैसा निकालने की ऊपरी सीमा तय कर दी है। अब बैंक के खाता धारक ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। अगर आसान भाषा में समझे तो यस बैंक के ग्राहक एक महीने तक सिर्फ 50,000 रुपए ही अपने खाते से निकाल सकते हैं। बैंक की आर्थिक स्थिति में आई गिरावट के बाद 30 दिन के लिए रिजर्व बैंक ने उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अधिग्रहण कर लिया है। एसबीआई के पूर्व डीएमडी और सीएफओ प्रशांत कुमार को बैंक का प्रशासक बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले बैंक को बचाने के लिए सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आगे किया था। आरबीआई ने कार्रवाई बैंक की आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया है। आपको बता दें कि यस बैंक बीते कुछ समय से फंड जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है। करीब 15 साल पहले शुरू हुए यस बैंक की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। बैंक पर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो वहीं शेयर भी टूट रहा है। यस बैंक की बदहाली इतनी बढ़ गई है कि सिर्फ 15 महीने के भीतर बैंक के निवेशकों को 90% से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बीते कुछ सालों में यस बैंक को एक के बाद एक झटके लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा झटका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की ओर से दिया गया है। साल 2018 में आरबीआई को लगा कि ये यस बैंक अपने डूबे हुए कर्ज और बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ी कर रही है। इसके बाद आरबीआई ने यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर को पद से ही जबरन हटा दिया था। वही आरबीआई ने यस बैंक के कुछ ग्राहकों को 50,000 की निकासी सीमा से कुछ छूट भी दी है। इनमें वो ग्राहक शामिल हैं जिन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी, हायर एजुकेशन, शादी के खर्चे और आपात आर्थिक जरूरत है। ग्राहकों पर 50,000 की सीमा लागू नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समय भारत।